सब्सक्राइब करिए माई क्रिकेट फैमिली को और बेल आइकन दबाइए, क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीओ माई क्रिकेट फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारतीय टीम कप्तान कोहली के 18वें शतक से बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। दोस्तों, पूरी खबर से पहले अगर अभी आपने माई क्रिकेट फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको क्रिकेट की सभी खबरें सबसे पहले मिलेंगी। दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए दूसरी पारी में सिर्फ 119 गेंदों में 12 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के लगाकर 104 रन बनाकर नाबाद रहे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कोहली ने वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में एक लंबा छक्का लगाकर अपने शतक को पूरा किया, और वो भी श्रीलंका के बेस्ट गेंदबाज सुरंगा लकमल की गेंद पर। तो दोस्तों, इस बार कोहली शतक लगाने के बाद काफ़ी एक्साइटेड दिखे, जिससे साफ पता चलता है कि पिछली पारी में 0 पर आउट होने के बाद वो अपने आप से कितने गुस्से में थे और वो इसको सबको दिखाना चाहते थे कि देखिए, हम 0 पर आउट होने के बाद भी इतनी अच्छी वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोहली अपने करियर का 18वां शतक लगाने के तुरंत बाद भारतीय पारी को घोषित कर दिया और श्रीलंका को जीतने के लिए 231 रनों का लक्ष्य दिया। और चाय के समय तक श्रीलंकाई टीम अपने दोनों ओपनरों का विकेट खो चुकी है। श्रीलंका के दोनों ओपनर आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं। भारत के दोनों गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने एक एक विकेट लिया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट की सभी खबरों के लिए माई क्रिकेट फैमिली को तुरंत सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।